तो यहाँ पे हम वापस से आ गए अपने रॉप हीरो वाइल्ड स्टार में। रॉप हीरो वाइल्ड स्टार में न्यू अपडेट आ चुका है। न्यू अपडेट को आ जाने के बाद इसके अंदर बॉल आ चुकी है जो कि सुपर फास्ट बॉल होती है, किसी भी कार को पीछे छोड़ सकती है, इतनी ज़्यादा फास्ट रहती है। चलो हम इसे टेस्ट करके देखने वाले हैं भाई कितनी ज़्यादा फास्ट रहती है। उसके बाद हम जाएंगे टिप्सन दादा के पास, क्योंकि रॉप हीरो वाइल्ड स्टार के अंदर न्यू अपडेट आ जाने के बाद कुछ न्यू सीक्रेट मिशन भी आ चुके हैं। देखने वाले भाई सीक्रेट मिशन कितनी खतरनाक हो सकते हैं। और रॉप हीरो काफ़ी खतरनाक कुंफू कराटे भी सीख चुका है, काफ़ी डेंजर मारता है भाई, पहले से बहुत डेंजर मारता है, सीधा मार के सुला देता है। चलो हम इसे टेस्ट कर लेते हैं तो कितनी ज़्यादा फास्ट है ये बॉल, और ये बहुत हाई जंप भी मारती है। चलो हम इसे टेस्ट करते हैं कितना हाई जंप मार सकती है। ये क्या चीज़ है, इसने हमारी हड्डी वड्डी तोड़ डाले, इसको पकड़ के मारो। तो यहाँ पे हमने किसी गुंडे को ठोक दिया, ठोकने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हमारे पीछे लग सकती है पुलिस। पुलिस काफ़ी डेंजर रहती है, ये हमारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती, पीछा करके मारती है। तो हमें जाना होगा टिप्सन दादा के पास, वहाँ पे जाने के बाद हम सीक्रेट मिशन करने वाले हैं। रॉप हीरो वाइल्ड स्टार के अंदर न्यू अपडेट आ जाने के बाद न्यू वेपन आ चुके हैं जो कि पहले से काफ़ी खतरनाक वेपन है, एक गोली मारते ही सब सो जाए, इतना पावरफुल वेपन है। तो हम आ चुके हैं टिप्सन दादा के पास, तो फटाफट उतरते हैं अपने बॉल में से। बॉल में से उतरने का स्टाइल देखो क्या खतरनाक रहता है भाई, सोपा बन गया ये तो। ओ भाई ये तो सीधा सो गया, ये बहुत खतरनाक स्टाइल था उतरने का, सीधा सो गया, इसको डैमेज भी लगा। ये सोफा काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, ये सीधा बॉल बन जाता है। छोटे रॉप हीरो वाइल्ड स्टार के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है। न्यू अपडेट आ जाने के बाद गुंडे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, ये सीक्रेट मिशन बहुत डेंजर होने वाला है। तो जा मेरा मिशन कम्प्लीट कर, उसके बदले तेरे को पैसा मिलेगा। तो ठीक है, हमें पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रॉप हीरो वाइल्ड स्टार के अंदर न्यू अपडेट आ जाने के बाद इसके अंदर कुछ न्यू वेपन आ चुके हैं जिसको बाय करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम ये मिशन कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। तो फटाफट हम बैठ जाते हैं अपने बॉल में। बॉल में बैठ जाने के बाद बहुत डेंजर बॉल है, अगर इसके सामने कोई भी आ गया सीधा ख़त्म कर देगी कहानी। तो फटाफट निकलते, इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई बुलेट बाइक वाले की, सीधा हमने इसको ठोक के सुला दिया। तो ये मिशन काफ़ी पहले से डेंजर हो चुका है, पहले जैसा ये मिशन नहीं रह गया। रॉप हीरो वाइल्ड स्टार में न्यू अपडेट आ जाने के बाद ये गुंडे भी काफ़ी डेंजर हैं। तो हमें कुंफू कराटे पहले से बहुत डेंजर आते हैं, चलो मैं कुंफू कराटे दिखाने वाला हूँ। सीधा एक घूसे में सो गया, मतलब कि भाई हमने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं तो भी इतनी आसानी तरीके से सो गया। चलो मैं यहाँ पे भी कुंफू कराटे करके दिखाता हूँ, ये भी एक घूसे से ही सो गया। रो फिर तूने हमारे गुंडों को मार के अच्छा नहीं किया, हम कल्लू कालिया के पास जाएंगे, कल्लू कालिया तुझे नहीं छोड़ेगा। तो ये गुंडों की कहानी हमने ख़त्म कर दी, ख़त्म करने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। ये कल्लू कालिया को बुलाने की बात कर रहे थे, कल्लू कालिया को भी नहीं पता कि हमें कुंफू कराटे आता है जो कि एक घोसे से ही सुला सकते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल कुंफू कराटा करता है। चलो हम यहाँ से निकलते हैं, दूसरा मिशन भी कम्प्लीट करना होगा क्योंकि हमें डायमंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डायमंड से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो चलो निकलते हैं दूसरा मिशन कम्प्लीट करने के लिए। तो हम आ चुके हैं टिप्सन दादा के पास क्योंकि यही मिशन देने वाला है दूसरा। छोटे तुझे दूसरा मिशन करना है तो तुझे मिलिट्री बेस जाना होगा, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रोबोट कार मिलेगा, उसे ख़त्म करने के बाद तुझे तो माला माल कर दूंगा मैं। तो ठीक है, हम ये मिशन करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये मिशन काफ़ी ज़्यादा डेंजर होने वाला है क्योंकि हम रोबोट ट्रांसफॉर्मर के साथ फाइट करेंगे, दोनों में से कौन जीतेगा, ट्रांसफॉर्मर कार जीतेगा या फिर हमारा सुपर बॉल जीतेगा। इसका जंप बहुत हाई था भाई, सीधा मिलिट्री बेस के अंदर घुस गया, मिलिट्री वाले को पता भी नहीं चला। अभी तो पता चल चुका है ये मिलिट्री वाले हमारे ऊपर RPG गन की बारिश कर चुके हैं। तो हम टेस्ट करने वाले हैं ये बॉल कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितनी RPG गन को सह सकती है। तो यहाँ पे हमने जोम्बी को मार के सुला दिया, यहाँ पे तबाही मचाना तो बनता है ना थोड़ा बहुत। ये क्या, ये तो बहुत डेंजर है, ये तो हमें पूरी तरह से खत्म कर देगा, हमारे मिलिट्री बस को तबाह कर देगा, ब्लास्ट कर देगा, ये बच के नहीं जाना चाहिए, इसे यहीं पे खत्म कर दो, हम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तो ये मिलिट्री वाले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, ये हमें ख़त्म करके ही मानेंगे। तो हमें मिल चुका है रोबोट ट्रांसफॉर्मर का जिसके साथ हमें फाइट करना पड़ेगा, देखने वाले हैं भाई दोनों में से कौन जीतेगा, ट्रांसफॉर्मर रोबोट जीतेगा या फिर हमारा सुपर बॉल जीतेगा। ये तो हमारे पर गोलियों की बारिश कर चुका है भाई, ये तो हमें यहीं ख़त्म कर देगा। अगर हमारा बॉल ब्लास्ट हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम इसे ख़त्म करके मानेंगे। ये तो ख़त्म होके ही मानेगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको ठोक देते हैं, ठोकने के बाद इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी,
ख़त्म हो गई भाई। मतलब कि भाई ये तो बहुत आसानी तरीके से सो गया। तो हमारा सुपर बॉल काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, काफ़ी पावरफुल था, ये बहुत डेंजर है सुपर बॉल, किसी को भी मार के सुला सकता है। तो हम यहाँ से निकलते हैं टिप्सन दादा के पास। वहाँ पे जाने बाद हम कुछ न्यू सीक्रेट मिशन करने वाले हैं। तो ये हमारे बॉल में से धुआं निकल रहा है, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है हमारा सुपर बॉल, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये तो हमारे ऊपर डंडों की बारिश कर चुका है भाई, ये तो हमें यहीं पर ख़त्म कर देगा। ये पुलिस वाला भी हमारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने रोबोट ट्रांसफार्मर कार को मार के सुला दिया। तो ये पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। छोटे तू तो बहुत ज़्यादा खतरनाक निकला, तू जा दूसरे मिलिट्री बेस, वहाँ पे तेरे को 56 डिग्री मिलेगा, वो तुझे सीक्रेट मिशन देगा। तो ठीक है, ये पुलिस वाले तो हमारे पीछे पड़ चुके, ये हमें ख़त्म करके मानेंगे। तो हम फटाफट इनको ख़त्म करके यहाँ से निकलते हैं दूसरे वाले मिलिट्री बेस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है मिलिट्री बेस। चलो हम इनकी कहानी ख़त्म कर देते हैं। तो हमें मिल चुका है कल्लू कालिया का आदमी, जो कि हमारे ऊपर बहुत सारी गोलियाँ चलाया था। चलो हम इसे जला के राख कर देते हैं, इसे तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसने हमें बहुत डैमेज दिया था। कोई हमें बचाओ, ये तो हमें जला के राख कर देगा, पुलिस वाले हमें बचाओ, इसने तो मुझे ख़त्म कर दिया। तो ये गुंडा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, बहुत डेंजर गुंडा था, इसने हमें मार मार के सुला दिया था, हमने इसका बदला ले लिया। हमारे पीछे लग चुकी है 3 स्टार पुलिस, जो कि काफ़ी डेंजर पुलिस है। ये बुढ़ा भी उसके साथ में था, मतलब कि भाई बुढ़े को मार के खलास कर देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे वाले मिलिट्री बेस में, वहाँ पर जाने के बाद हम 56 डिग्री से मिलेंगे, क्योंकि वो हमें मिशन देने वाला सीक्रेट मिशन। तो वो सीक्रेट मिशन करने के बदले हमें डायमंड भी मिल सकता है। तो हम फटाफट ऑर्डर कर लेते हैं एरोप्लेन से हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे दूसरे वाले मिलिट्री बेस में। तो आ चुकी है हमारी एरोप्लेन, तो फटाफट निकलते हैं। मतलब कि भाई चलो हम इसे मुड़ाते हैं, गलत दिशा में है, हम इसे सही दिशा में करते हैं। मतलब कि भाई यहाँ पे फंस चुका है, ये हमें ले जाने नहीं देंगे पुलिस वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। रो फिर, तूने अच्छा नहीं किया, तूने गुंडों को मार के सुला दिया, जिसने हमें पैसा दिया था, हम इसका बदला लेके रहेंगे। तू चाहे एरोप्लेन में बैठ के जा, चाहे हेलीकॉप्टर में, हम तेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, वहाँ पे भी आ जाएंगे दूसरे मिलिट्री बेस में भी, वहाँ पे आके तबाही मचाएंगे हमारे ऊपर। लेकिन हमारे एरोप्लेन की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, अगर कहीं ठुक गई तो ये ब्लास्ट हो जाएगी, पक्का ब्लास्ट हो जाएगी। तो हमें बच के रहना पड़ेगा, कहीं पे भी ठोकना नहीं होगा, अगर हमने कहीं पे ठोक दिया तो ये ब्लास्ट हो जाएगी। चलो लगभग आ चुके हैं दूसरे मिलिट्री बेस में, यहाँ पे आ जाने के बाद हमें 56 डिग्री से मिलना पड़ेगा, लेकिन 56 डिग्री है कहाँ पे? चलो लगभग यहीं पे होगा, डांस कर रहा होगा, मौज मस्ती कर रहा, क्योंकि रात हो चुका है ना, तो यहीं पे लैंड कराते। वो भाई गलत लैंडिंग हो गई, ब्लास्ट हो सकती है अपना है। ये क्या किया तूने, अपने एरोप्लेन कहीं और जाके पार्क कर, यहाँ पे पार्क किया तो तेरे एरोप्लेन को हम ब्लास्ट कर देंगे। तो ये मिलिट्री वाले हमारे एरोप्लेन को ब्लास्ट कर चुके हैं, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर को भी बुला के लेके आ गए भाई हमें मारने के लिए। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो हमें मिल चुका है सुपर बॉल। सुपर बॉल से हम किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं, सुपर बॉल का पावर ये नहीं जानते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग क्या कर रहे हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ऑल पे सेट कर लो, ताकि हमारी वीडियो आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे ये सुपर बॉल का पावर दिखाने वाला हूँ मिलिट्री वाले को, ये लोग देख के दंग रह जाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर रोबोट कार को भी नहीं छोड़ने वाला। चलो हम इसे भी ख़त्म कर देंगे, ये भी हमसे डर के भागेगा, मतलब कि भाई इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये गुंडा वापस आ गया, इस गुंडे को तो हमने मार के सुला दिया था, यानी कि भस्म कर दिया था हमने, लेकिन ये गुंडा वापस आ गया कैसे? कोई बात नहीं, हम वापस से मारेंगे उसको, इसे वापस ख़त्म करेंगे, चाहे गुंडा वापस क्यों ना आ गया। तो हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं, क्योंकि हमारे पीछे लग चुके हैं 5 स्टार पुलिस, ये सब लोग मिलके मारेंगे तो ख़त्म होना तो पक्का है ना। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे तबाही मचाता हूँ, ये ब्रिज के ऊपर, ये ब्रिज के ऊपर पूरा जाम हो जाएगा ब्रिज, उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं भाई ये कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत गलत हो गया भाई, हमारा बॉल सीधा गया समुंदर के अंदर भाई, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, इसका बदला तो लेना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, ये तो हमारे ऊपर आ गया, हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।